नमस्ते। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? तो इसमें बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी, बीमार हुए थे वो। तो पहला प्रश्न बीमारी है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किस वर्ण के व्यक्ति थे अथवा उनका रंग कैसा था? तो ये वाले प्रश्न का सही जवाब है गोरा चिट्टा। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? उनकी प्रभातियाँ फाल्गुन तक चला करती थी। भादो का संबंध किस ऋतु से है? तो भादो का संबंध जो है वर्षा ऋतु से है। फिर प्रश्न आ जाता है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन हैं? तो इस पाठ के लेखक जो हैं रामवृक्ष वेणीपुरी जी हैं। फिर प्रश्न आता है कि रामवृक्ष वेणीपुरी का जन्म कौन से सन में हुआ था? तो सन 1899 में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, रामवृक्ष वेणीपुरी का निधन कौन से सन में हुआ था? सन 1968 में हुआ था। रामवृक्ष वेणीपुरी ने किस पत्रिका संपादन किया था? तो उन्होंने तरुण भारत नाम के पत्रिका संपादन किया था। रामवृक्ष वेणीपुरी का उपन्यास है पतितों के देश में। पैरों में पंख बांधकर वेणीपुरी का है यात्रा वृतांत। उसके बाद प्रश्न आता है, बाल गोविंद भगत कितने वर्ष के ऊपर के होंगे? तो वह 60 वर्ष के ऊपर के होंगे। बाल गोविंद भगत के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? कनफटी टोपी पहना करते थे। बाल गोविंद भगत के मस्तिष्क पर कैसा चंदन लगाया हुआ रहता था? रामानंदी चंदन का तिलक लगाया करते थे वो। बाल गोविंद भगत के गले में किसकी जड़ों की माला रहती थी? तुलसी के जड़ों की माला पहना करते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ये प्रश्न जो हैं हमारे बाल गोविंद भगत के हैं। और इसके अलावा और प्रश्नों के जो हैं वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने प्लेलिस्ट के नाम सभी दे रखे हैं। और 9th, 10th, 11th, 12th के वहाँ पर आपको 8th के भी मिलेंगे, तो आप वो सब देख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना है ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।